विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्रीनाथ की यात्रा का श्री गणेश औपचारिक रूप से हो गया। बद्रीनाथ के कपाट 10 मई को सुबह 4:15 पर खुलेंगे। आज भगवान के गद्दी स्थल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान के वाहन गरुड़ जी पहुंच गए। भगवान के वाहन गरुड़ की मूर्ति बद्रीनाथ कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ से जोशीमठ आ जाती है, जिसके बाद भगवान गरुड़ की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर सुबह बद्रीनाथ के लिए ले जाया जाएगा। गरुड़ और भगवान विष्णु आधा किलोमीटर हवा में रस्सी के सहारे जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचे और आज से ही बद्रीनाथ यात्रा का आह्वान हो चुका है। बद्रीनाथ धाम के रावल के अनुसार तेल कलश के साथ साथ भगवान गरुड़ की मूर्ति पांडुकेश्वर के लिए रवाना होगी, जहां से 9 मई को इनके साथ भगवान उद्धव और कुबेर की मूर्ति के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचा जाएगा। भगवान के 6 महीने होने वाले श्रृंगार के लिए टिहरी नरेंद्र नगर से चला हुआ तेल कलश यात्रा भी जोशीमठ पहुंचेगी। इस तेल से भगवान का 6 महीने लेप किया जाता है। अद्भुत परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी रस्सियों के सहारे जोशीमठ आते हैं। इस पल के लिए मुख्य पुजारी समेत हजारों श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने में महज 3 दिन शेष है, इसके लिए इस समय पर सभी परंपराएं पूरी की जा रही है। ये गरुड़ छाड़ मेला आज भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा के ठीक पूर्व जोशीमठ में आयोजित किया जाता है और एक परंपरा है, बहुत लंबी लगभग 1 किलोमीटर लंबी रस्सी में गरुड़ जी आते हैं और इनके पीछे भगवान कृष्ण आते हैं, जिनको लोकल भाषा में बालू कहते हैं। विगत 2-3 सालों से देख रहे हैं कि बिल्कुल गरुड़ जी भी और इनके पीछे आने वाले भगवान कृष्ण भी या भगवान बद्रीनारायण भी सीधे चले आते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर का ये मार्ग होता है रस्से के द्वारा। इसका मतलब बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, गंगोत्री जमुनोत्री यात्राएं बहुत सुंदर सरसब चलेंगे और 6 महा यात्रा से लोग लबालब भगवान के दर्शन लेंगे, पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। संवाद 36 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।